नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी अपने जो है एम परिवहन एप्लीकेशन का एम पिन अगर आप भूल गए हो तो किस तरीके से आप अपने एम परिवहन एप्लीकेशन का एम पिन आप कैसे पता कर सकते हो, किस प्रकार से एम पिन को आप रीसेट कर सकते हो। तो गाइज अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइज आपको अपने मोबाइल में एम परिवहन एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइज अगर आप अपने एम परिवहन का जो है एम पिन अगर आप भूल गए हो तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर टाइप करना है, जिस भी नंबर से आपने जो है एम पिन अकाउंट क्रिएट करा था तो वो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर टाइप कर लेना। अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको जो है फॉरगॉट सिक्योरिटी एम पिन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप फॉरगॉट सिक्योरिटी एम पिन ऑप्शन पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करने के बाद गाइज आपके नंबर पर यहाँ पर OTP आएगा और यहाँ पर आपको अपना OTP डाल देना है। तो यहाँ पर मैं अपना OTP टाइप कर लेता हूँ। OTP डालने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको वेरीफाई ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करोगे इसके बाद क्रिएट न्यू सिक्योरिटी एम पिन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना जो भी नया एम पिन डालना चाहते हो आप अपने नए एम पिन को यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक करना। तो यहाँ पर आपको 6 डिजिट का आपको अपना एम पिन क्रिएट करना है। तो फटाफट मैं अपना न्यू एम पिन यहाँ पर डाल देता हूँ। तो गाइस अपना नया एम पिन डालने के बाद जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे इसके बाद आपका जो है एम पिन जो है रीसेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा एम पिन यहाँ पर रीसेट हो चुका है। तो गाइस कुछ इस प्रकार से आप जो है एम परिवहन एप्लीकेशन में आप अपने एम पिन को इस तरीके से आप रीसेट कर सकते हो। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना।